मधेपुरा के उदाकिशुनगंज अनुमंडल अंतर्गत चौसा थाना के ठीक सामने सालों से चल रहे बाबा विशु राउत हॉस्पिटल में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का मधेपुरा जिला प्रशासन ने भंडाफोड़ किया। गुप्त शिकायत के आधार पर डीएम द्वारा गठित टीम ने अस्पताल पर छापा मारकर संचालक और चिकित्सक डॉक्टर रिंकेश कुमार रवि समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही साथ सख्त कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम को सील कर दिया। दरअसल जब डीएम श्याम बिहारी मीणा को इस बात की शिकायत मिली तो जिला प्रशासन ने योजना बनाकर कार्रवाई की। पहले जिला प्रशासन के एक अधिकारी सादे लिबास में बच्चे की खरीदारी के लिए नर्सिंग होम पहुंचे। अधिकारी ने संचालक और चिकित्सक डॉक्टर रिंकेश कुमार रवि से नवजात के सौदे को लेकर बातचीत की। तोलमोल के बाद चिकित्सक से 65,000 में डील फाइनल कर दी। अधिकारी रुपए लेकर आए, जिसके बाद बच्चे को चिकित्सक द्वारा दिया गया। फिर क्या था, प्रशासन की पूरी टीम पहले से ही सक्रिय थी। काम होते ही छापेमारी शुरू कर दी गई। इस दौरान टीम ने नवजात बच्चा और 65,000 रुपए चिकित्सक से बरामद कर लिए, जिसके बाद संचालक, चिकित्सक और अन्य दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों को ये जानकारी मिली थी कि बाबा विशु राव हॉस्पिटल जो थाना चौसा थाना के जस्ट अपोजिट है, वहाँ छोटे बच्चों की खरीद बिक्री होती है, नवजात बच्चों की। तो ये इनपुट मिला था जिलाधिकारी महोदय द्वारा, उसके आधार पर टीम का गठन किया गया, जिसमें हम वीडियो सीओ चौसा, सीओ और वीडियो चौसा थे, हमारे स्टाफ थे, हम लोग मिलकर इसको वहाँ पर गए छापेमार। बेसिकली पूरी प्लान तैयार करके हम लोग गए थे और हमारे स्टाफ गए थे वहाँ पर, और जाकर बच्चे को पकड़ने की मतलब बच्चा खरीदने का उन लोगों से डील किए, बात किए कि क्या है कैसे है, जो इनपुट मिला था उसके आधार पर गए वहाँ पर। और जो डॉक्टर जो वहाँ है, जो फर्जी डॉक्टर है बेसिकली, वो रिंकेश कुमार नाम है, वो वहाँ था और उसी के सामने सब तरह की बात हुई। जो मेरे स्टाफ थे उनसे 65,000 वो 80,000 बोल रहा था और 65,000 पे आके उसका फाइनल किया था। फिर बच्चे को दिया ये लोग, बच्चे को हैंडओवर किया, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब वहाँ लगा हुआ है। और उसके बाद हमारी पूरी टीम पहुँच के जो है उनको पकड़ लिया है मौके पर। और ये है जो स्थिति है सामने है। बेसिकली MOIC भी हमारे टीम में थे, वो भी गए जाकर वहाँ पे, हम लोग सब उनका कागज पत्र वगैरह सब कुछ हम लोग चेक किए। और उसके पास क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो जरूरी कागजात वगैरह चाहिए उनको, उनके पास कुछ भी नहीं था। इवन उनके पास ना MBBS की डिग्री थी, ना कोई वहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, ना कोई वहाँ प्रॉपर डॉक्टर थे। उसके बावजूद वहाँ पर जो है पूरा नर्सिंग होम संचालित था, कई डॉक्टर्स के नाम भी वहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन सब लोगों पर छापामारी करके उसको सील किया गया, बंद किया गया। और अभी थाना को हम लोग हैंडओवर कर दिए हैं, इसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौसा जो है इसमें FIR मामले में कर रहे हैं सभी बिंदुओं पर, और अभी जांच चल रही है वहाँ पर। थाना चौसा थाने की टीम पहुँच गई है। क्या सर, इसका सील भी करने का क्या सील भी किया जाएगा? हाँ, सील वगैरह भी किया जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो अपना थाना अपना आगे का प्रोसेस पूरा करेगा। DSP साहब खुद आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं कैसे इसको सील वगैरह की कार्रवाई कैसे की जाए। सर, ये लंबे दिन से ये नर्सिंग होम पर चल रहा है चौसा में, तो इससे जाहिर होता है कि यहाँ के और भी लोकल जो मतलब हम कह सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ भी मिली भगत की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा है? ये जांच का विषय है बेसिकली। मामले में FIR हो रहा है, FIR होने के बाद उसकी जाँच होगी, जाँच के बाद जो चीजें सामने निकल कर आएंगी, अगर इस तरह का किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट किसी का भी पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई होगी, इसमें कुछ सोचने का। इसलिए सर के मतलब पास में मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे इस फर्जी नर्सिंग होम में अवैध तरीके से पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर भी खुला हुआ है। डॉक्टर के पास भी MBBS की डिग्री नहीं थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मधेपुरा से राजीव की रिपोर्ट।